हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। फ्रेंड्स, आज का जो प्लान है 22 फीट बाई 60 फीट का, जैसा कि आपने टाइटल्स में देखा ही है कि 22 फीट इस प्लान का विड्थ है, चौड़ाई है, और 60 फीट इस प्लान का लेंथ है, लंबाई है। तो ये 22 बाई 60 का ये प्लान है और ये वेस्ट फेसिंग का टू साइड ओपन प्लॉट है। ये जो प्लॉट है ये इसके फ्रंट में रोड है और पीछे में भी एक पतली रोड है, तो ये दोनों तरफ से ये ओपन है। बाकी दो तरफ से दूसरों की ज़मीन है, दूसरों की प्रॉपर्टी है, तो इस राइट साइड और लेफ्ट साइड पे कोई डोर या विंडो ओपन नहीं कर सकते। लेकिन हमारे घर के अंदर उजाला रहे और फ्रेश एयर का सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होता रहे, इस बात को ध्यान रखते हुए इस प्लान को मैंने बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया है, जिससे आपको अपना घर बनाने में बहुत ही हेल्प मिलेगा अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। तो चलिए समझते हैं आज का प्लान। ये जो प्लान है वो हमारे जो क्लाइंट है मिस्टर रविंद्र सैनी जी का है, जो कि कानपुर यूपी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए ये मैंने प्लान डिज़ाइन कर रखा है। तो ये जो है ये टू ब्रदर्स के लिए है, दो भाई लोग हैं, तो इसमें ये दो भाई लोग के लिए दो प्लान इसमें बनाया गया है। मतलब ये 22x60 में ही दो भाइयों के लिए पूरा सेपरेट सब कुछ अलग अलग से ही बनाया गया है। तो चलिए अब समझते हैं आज के प्लान को, देख लेते हैं आज के प्लान के डिटेल्स। यहाँ पे जो मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ, जिससे आपको डायमेंशंस पूरी साफ दिखाई देंगी। हाँ, इतना जूम सही है। तो यहाँ पे अभी जो देखते हैं 22 फीट इसका चौड़ाई है, और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बालकनी की लाइन है, जो कि बालकनी प्रोजेक्शन है, जो कि आप यहाँ पे हमारी जो बालकनी जो छज्जा जिसको बोलते हैं, वो हमारे प्लॉट एरिया के बाहर में, हमारा जो प्लॉट एरिया है वो यहीं तक है। इसके बाहर में यहाँ पे 3.5 फीट का यहाँ पे हमने यहाँ पे बालकनी दे रखा है, और यहाँ पे जो बालकनी की चौड़ाई है 2 फीट 6 इंच है, 2.5 फीट है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से बालकनी को डिज़ाइन किया गया है इस तरह से, ताकि हमारा जो घर का जो लुक आता है बाहर से देखने में वो अच्छा आता है। और ये जो अभी आप प्लान देख रहे हैं ये फर्स्ट फ्लोर का प्लान है, इसके नीचे ग्राउंड फ्लोर का भी प्लान आएगा। तो ग्राउंड फ्लोर में क्या है कि पूरी तरह से ये पार्किंग है, नीचे में पूरी पार्किंग दी गई है ग्राउंड फ्लोर पे। और यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि MS का गेट जो लिखा हुआ है, MS गेट लिखा हुआ है, वो यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर में रहेगा नीचे की तरफ। तो जिससे यहाँ पे आप यहाँ पे 10 फीट चौड़ा या 8 फीट चौड़ा गेट लगा देंगे तो सीधे पूरा नीचे पूरा खाली रहेगा, पूरा ये नीचे पूरा कुछ बेडरूम्स नहीं आएंगे। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर का प्लान है, नीचे पूरा खाली रहेगा और नीचे में हमारी पूरी पार्किंग हो जाएगी। तो पार्किंग के बाद से हम जब आएंगे, तो पार्किंग के बाद से क्या है कि पार्किंग करने के बाद अभी आप कुछ गाड़ियां देख रहे हैं, ये ग्राउंड फ्लोर की हैं, ये नीचे में भी ग्राउंड फ्लोर पे ही है, सारी पार्किंग है। तो यहाँ पे जब हम गाड़ी पार्क करने के बाद से ये जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ से सीढ़ी जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, तो यहाँ से सीढ़ियाँ आएँगी और यहाँ से हम अपने फर्स्ट फ्लोर में पहुँच जाएँगे यहाँ पर। तो ये जो है यहाँ पर हम अपने फर्स्ट फ्लोर में पहुँचेंगे, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी ये जो 8 फीट चौड़ाई जो दी गई है, ये पूरा पैसेज पीछे की तरफ पूरा पीछे की तरफ खुला रहेगा। पीछे में भी पूरी ये पीछे नीचे पूरी बाउंड्री वॉल आएंगी यहाँ पे, पूरी बाहर बाहर में पीछे में भी। और ये जो है बाउंड्री वॉल की जो आप हाइट रख सकते हैं यहाँ पे 6 फीट रख सकते हैं, और इसके बाद से पूरा हमारा नीचे पार्किंग रहेगा। और यहाँ से भी ये पूरा 8 फीट छोड़ के दिया गया सीढ़ी, ताकि हमारी इधर से जो कार है वो आगे ग्राउंड फ्लोर में और आगे में भी दो कार पार्क की जा सकती हैं। तो कार पार्किंग के लिए इसमें पूरा स्पेस है, कार पार्किंग, बाइक पार्किंग, आप जैसे भी चाहें बहुत आसानी से बहुत सारी इसमें बाइक्स भी पार्क कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं बात कर रहा था, यहाँ से जैसे हम ऊपर आएंगे, जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं ये ग्राउंड फ्लोर से आ रही हैं और ये फर्स्ट फ्लोर की छत पर आ जाएंगी। तो यहाँ से सीढ़ियों को जो चौड़ाई है 3 फीट 3 इंच है यहाँ पर जो है, ये तो पूरी जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर 3 फीट 3 इंच की काफ़ी चौड़ी यहाँ पर सीढ़ियाँ दी गई हैं। और यहाँ पर आपको लैंडिंग के लिए स्पेस जो मिल जाएगा, आप खड़े हो सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 8 फीट का जगह आपको मिलेगा। तो यहाँ पे भी ऊपर में भी आएंगे तो आपको पूरा 8 फीट का यहाँ पे जगह मिलेगा। और इधर से हम अपने आ जाएंगे अपने फ्लैट नंबर 1 में, ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 या मतलब फ्लैट 1 है ये। तो इधर से हम आएँगे तो यहाँ पे घर के अंदर एंट्री करते हैं, तो यहाँ पर 4 फीट चौड़ा दरवाज़ा दिया गया है, और यहाँ पर विंडो W1 जो है वो 3 फीट वाइड है। और इधर से सीधे हम एंट्री करेंगे अपने लिविंग एंड हॉल एरिया में, यहाँ पर पार्ट 1 में। तो ये हम पार्ट 1 में आज जैसे अपने हॉल में आएंगे, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 सोफे प्लेस किए गए हैं और यहाँ पे ये डाइनिंग टेबल प्लेस किया गया है। ये जो कार जो आप देख रहे हैं वो ग्राउंड फ्लोर पे नीचे हमारे नीचे में पार्क की जाएंगी। तो यहाँ से जैसे हम इसके बाद से आ जाते हैं यहाँ पर किचन में, तो यहाँ पर बात कर रहा था मैं इसके लिए लिविंग एरिया की, तो ये 15 फीट 1 इंच इसका लेंथ है, 10 फीट इसका चौड़ाई है, 10 फीट 1 इंच। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा यहाँ पर लिविंग एरिया आपको फर्स्ट फ्लोर में मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिविंग एंड डाइनिंग एरिया, इस पर आप अपनी पूरी फैमिली के लिए सीटिंग कर सकते हैं, या अपने गेस्ट के लिए भी यहाँ पे अपने बैठने के लिए आप इंतज़ाम कर सकते हैं। यहाँ पे इसके साथ में यहाँ पे किचन दिया गया है, 10 फीट लेंथ में है, लंबाई जो है 7 फीट चौड़ाई है,
तो यहाँ पे किचन का जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 10x7 का यहाँ पे किचन मिल जाता है। ये जो D1 जो दरवाज़ा है ये 2.5 फीट चौड़ा है और ये जो दरवाज़ा है 4 फीट चौड़ा है। तो यहाँ पे आप आगे देखेंगे जो भी आप D1 जो है वो सारे 2.5 फीट 2 फीट 6 इंच वाइड में है। D2 का जो चौड़ाई है इसमें 3 फीट है, 3 फीट चौड़ा है। तो यहाँ से अभी किचन से अभी आ जाते हैं। किचन में एक विंडो यहाँ पे दिया गया है जो कि हमारे यहाँ पे एक OTS दिया गया है। ये OTS में आगे में मैं भी आपको दिखाऊंगा जो हम अपने पार्ट टू में चलेंगे तो वहाँ पे भी मैं आपको क्लियरली यहाँ पे भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जो है OTS दिया गया है और यहाँ पे इसका जो लेंथ है 4 फीट 2 इंच है और जो वाइड है जो चौड़ाई है 2 फीट 7 इंच है। तो ये पूरा खुला रहेगा, लोहे की जाल से ऊपर छत खुली रहेगी तो यहाँ पर लोहे की जाल आ जाएगी और जिससे इसके हमारे घर के अंदर वेंटिलेशन होगा और जो भी स्मेल होगा इस टॉयलेट एंड बाथरूम का, यहाँ पे इधर से एक जो फैन लग जाएगा और यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाएगा। यहाँ पे जो एक दरवाज़ा आप देख रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा लेकिन यहाँ पे एक दरवाज़ा दिया गया है। इधर से हम सीधे इस दरवाजे को ओपन करके इस जाल के नीचे में जो हमारी जो जगह मिलेगी वह यहाँ पर हम अपना वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। तो इस जगह का भी आप इस्तेमाल कर पाएंगे। तो यहाँ पे कॉमन टॉयलेट की लेंथ की बात करें तो 7 फीट इसका लेंथ है, लंबाई है 4 फीट 2 इंच इसका चौड़ाई है। तो अभी लिविंग एरिया से ही हम अपने इस बेडरूम में आ जाएंगे। यहाँ पे 2 बेडरूम मिल जाते हैं। तो पहले बात करते हैं अपने मास्टर बेडरूम की। तो इधर से अपने मास्टर बेडरूम में आ जाएंगे। 13 फीट 6 इंच लेंथ में है और यहाँ पर 10 फीट इसका वाइड है, चौड़ाई है। यहाँ पर जो मास्टर बेडरूम इसके लिए यहाँ पर 6 फीट बाई 6 फीट का बेड प्लेस किया गया है। और यहाँ पर इस फिर से हम सीधे अपने बालकनी में इस दरवाजे को ओपन करके हम अपने बालकनी में आ जाएंगे। इससे अटैच हमको बालकनी मिल जाती है इस मास्टर बेडरूम से। यहाँ पे एक विंडो मिल जाता है जिससे बाहर से जो रोशनी आएगी वो सीधे हमारे इस कमरे के अंदर भी उजाला रखेगी और फ्रेश एयर का सर्कुलेशन भी अच्छे से होगा। तो हम अपने इस बालकनी पे आ जाएंगे। यहाँ से ही हॉल से ही हम अपने इस बेडरूम में आ सकते हैं। यहाँ पर 10 फीट बाई 10 फीट का यहाँ पर कमरा दिया गया है जिसमें हम इसमें भी अटैच बालकनी का ऑप्शन है जिससे हम इस दरवाजे को ओपन करके इस तरह से भी हम अपने बालकनी पर आके खड़े हो सकते हैं। यहाँ पे हमारे रेलिंग्स लग जाएंगी तो काफ़ी अच्छा ये एक लुक आएगा हमारे घर का। यहाँ पे जो इसके लिए जो विंडो है W2 जो है 4 फीट वाइड है, 4 फीट चौड़ा है। तो यहाँ पे भी आपको विंडो मिल जाते हैं तो जिससे हमारे इस बेडरूम के अंदर भी उजाला रहेगा। तो चलिए अभी हमने देखा भी ये पार्ट वन भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक विंडो 2 विंडो मिल जाते हैं। यहाँ पर जो विंडो आपको मिल रही है वो लैंडिंग वाली स्पेस पर मिलेगी। तो यहाँ से हम सीढ़ी से जब ऊपर आएंगे तो यहाँ पे हमको लैंडिंग लगभग मिलेगी 6 फीट की 6.5 फीट की ऊंचाई पे। तो यहाँ पे जब लैंडिंग पे आएंगे हाफ लैंडिंग पे तो यहाँ पे जो सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पे सीढ़ियाँ लैंडिंग के दरवाजे दीवार पे ही हमारे भी यहाँ पे विंडो लग जाएगी तो जिससे इस किचन के अंदर डबल विंडो मिल जाता है। तो ये किचन ये जो विंडो है 3 फीट वाइड है तो यहाँ पर भी हमारे इस किचन को उजाला मिलेगा और इधर से भी हमारे इस किचन में प्रॉपर रोशनी आती जाती रहेगी। और तो चलिए अभी आगे चलते हैं। इसी यहाँ से हम अपने ये एरिया हमारा कॉमन रहेगा, ये हमारा कॉमन एरिया है और ये हमारा पार्ट वन है, हमारा फ्लैट वन है एक ब्रदर्स के लिए। और दूसरे भाई के लिए जो है वो यहाँ से एंट्री मिल जाती है। इधर से हम एंट्री कर देंगे सीधे अपने लिविंग एंड हॉल में। तो यहाँ पर भी लंबाई में 15 फीट 1 इंच है, 10 फीट चौड़ाई है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर भी सीटिंग के लिए और यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया गया है। यहाँ पर किचन का भी साइज लगभग सेम है, 10 फीट इसका लेंथ है, 7 फीट चौड़ाई है। और यहाँ पे भी एक विंडो मिल जाता है जिससे इस किचन के अंदर उजाला जो है बहुत अच्छे से रहने वाला है। यहाँ पे विंडो इसके लिए दिया गया है ताकि हमारे इस लिविंग एरिया के अंदर भी प्रॉपर उजाला रहे, नेचुरल लाइट जो है वो आती जाती रहे। यहाँ पर कॉमन टॉयलेट इधर से हम जा सकते हैं। यहाँ पर 7 फीट वाइड लेंथ में है, 4 फीट 2 इंच वाइड है। तो यहाँ पर मैं OTS की बात मैं उस पहले पार्ट वन में कर रहा था, फ्लैट वन में, यहाँ पे भी सेम ही OTS दिया गया है। यहाँ पे इस दरवाजे को ओपन करके यहाँ पे एज ए इस जगह का इस्तेमाल एज ए वॉश एरिया कर पाएंगे। यहाँ पे जो वेंटिलेशन है के लिए जो हमारा जो फैन होगा वो यहाँ पे लग जाएगा तो जो स्मेल होगा वो सीधे इधर से होके ऊपर में जाल की तरफ से बाहर की तरफ चला जाएगा। तो इधर से अभी हम चलेंगे अपने इस लिविंग एरिया से मास्टर बेडरूम में। तो यहाँ पर भी मास्टर बेडरूम का साइज सेम ही है, 13 फीट लेंथ में है, 10 फीट चौड़ाई है और इससे भी अटैच हमको बालकनी का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे भी आप जो कार देख रहे हैं वो नीचे है, ग्राउंड फ्लोर पे जो है वो नीचे में जो कार है वो नीचे पार्क की जाएंगी। इसके ऊपर हमारा फर्स्ट फ्लोर का जो हम प्लान देख रहे हैं इस पे हमारे बेड्स आएंगे ये सब। और ये हमारा पूरा जो कंस्ट्रक्शन एरिया है ऊपर में हमारा है, नीचे हमारी पूरी खाली रहेगी, पूरी पार्किंग के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा जैसे कि हमारे क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था। तो यहाँ पर इधर से हम अटैच बालकनी का इस्तेमाल कर पाएंगे, इधर से हम अपने इस बालकनी में जा सकते हैं। यहाँ पर भी सेम विंडो मिल जाते हैं जिससे इस कमरे के अंदर उजाला रहेगा। सेम ही साइज़ का यहाँ पे भी बेडरूम में दिया गया है जो कि 10 फीट बाई 10 फीट का है
इसका 10 फीट 1 इंच है तो 10 फीट ही मान सकते हैं, 10 फीट बाई 10 फीट का यहाँ पे बेडरूम है। इधर से जो D2 दरवाज़ा है 3 फीट वाइड है और यहाँ पे विंडो जो मिल जा रहा है W2 जो कि 4 फीट वाइड है। तो इधर से भी हम सीधे अपने इस बालकनी में जा सकते हैं, इस बालकनी से भी इधर आ सकते हैं। तो यहाँ पे भी पीछे की तरफ यहाँ पे रोड है तो पीछे में इसी के लिए यहाँ पे विंडो दिया गया है। बाकी लेफ्ट साइड और लेफ्ट राइट साइड दूसरों की प्रॉपर्टी है तो इसके लिए विंडो नहीं दिखाया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्लान अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, क्योंकि मैं हाउस प्लान से रिलेटेड बहुत ही सारे वीडियो आप सभी के लिए इस चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ, जिससे आपको अपना घर बनाने में हेल्प मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए प्लान के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।